आज हम MCQ करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन डेरिवेटिव पे। तो 20 MCQ हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट ए रियल नंबर एट सी, तो क्या इनमें से कंडीशन होगी कि उनका सम कॉन्टिन्यूस होगा सी के ऊपर, उन दोनों फंक्शन का डिफरेंस कॉन्टिन्यूस होगा सी पे, उन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट पे दैट इज सी, या फिर ऑल अबव आर ट्रू। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल्ड हैं कि एफ और जी अगर दो रियल फंक्शन हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं किसी सर्टन पॉइंट के ऊपर, तो उनका समेशन, उनका डिफरेंस, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेरिवेटिव ऑफ टेन 2x+3 बी, तो आप बोल रहे हैं बी, आर यू श्योर? विच वन? डी। तो मैं पहले बोलता हूँ, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखो, समझो, उसके बाद जवाब दो। आप बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हो और यही गलती का कारण रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगना था, चेन रूल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाँ जी, कौन सा, ए बी सी डी? हाँ जी, डी बी, कैसे? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो हमारे पास है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और डी ए डी आर दैट इज 2πr, तो आप विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हो, तो क्या आ गया, तो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे, तो विच वन, विच वन हो गया पॉइंट क्लियर? तो फिर से बोल रहा हूँ, आराम से क्वेश्चन को आप रीड करें, देन क्वेश्चन सॉल्व करें, देन आप आंसर दें। द पॉइंट ऑन द कर्व, एक हमारे पास कर्व है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0.5। एक कर्व है, लेट अस सपोज करो ये कर्व है, यहाँ पे इस कर्व पे कोई पॉइंट है, द पॉइंट ऑन द कर्व, वो पॉइंट ढूंढना आपने जो एक पॉइंट है यहाँ पे 0.5 के क्या है, हाँ जी, नियरेस्ट है। सपोज करो ये सपोज करो ये पी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन किसका है ये? हाँ जी, हाँ हाँ, कौन सा टॉपिक है? एप्लीकेशन डेरिवेटिव चैप्टर है, टॉपिक किस टॉपिक पे है जी? टेंजेंट। आपको दिया नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है? पास। तो ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन नहीं हुआ? आपने क्या फाइंड करना है? आपने बताना है कि हमने पॉइंट ढूंढना है, लेकिन उसे कह दिया कि जो पॉइंट का डिस्टेंस है जो गिवन पॉइंट से, वो नियरेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो जब हम मिनिमम मैक्सिमम बात कर रहे हैं, यहाँ पे नियरेस्ट का मतलब लगा मिनिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम मिनिमम बात नहीं हुई। तो देख लो, आपको ये आइडिया नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से आया। तो हमारा डिस्टेंस है यहाँ पे फंक्शन, तो डिस्टेंस से अगर हम एक्स वाई मान लेते हैं इसका,
तो मेरे पास अगर मैं डिस्टेंस डी मान लेता मेरे पास क्या आएगा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर फाइव माइनस सॉरी वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, और एक्स स्क्वायर वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर। अगेन डी स्क्वायर को आप इसे जेड मान लो, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास टू वाई, इसे ओपन कर लो और सॉल्व करके क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस ट्वेंटी फाइव जेड। तो ये फंक्शन बन गया। तो अब आपने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि वेरिएबल वाई है। तो क्या आ गया, टू वाई माइनस एट, आप टू कॉमन निकाल लें, वाई माइनस फोर। नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है, जीरो पुट करना। तो ये आ गया y इज इक्वल टू फोर आ जाएगा आपके पास। अब हमने चेक करना है कि इस पॉइंट के ऊपर क्या ये मिनिमम है, क्योंकि तो आपने नियरेस्ट बोला ना, इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो, डी टू जेड डी वाई स्क्वायर कितना आ गया, टू। तो इसमें y की वैल्यू है ही नहीं अब, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। सो ये हमारा चेक हो गया कि इस पॉइंट के ऊपर ये क्या है, नियरेस्ट है, क्योंकि जब ग्रेटर देन जीरो हो तो मिनिमम होता है वैल्यू, याद है आपको। तो y इक्वल टू फोर, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, क्योंकि हमने पॉइंट ढूंढना था। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, सेकंड पॉइंट हमने क्या निकालना है, x, तो वैल्यू पुट कर लो। तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, हाँ जी, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एट, और x इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपके पास क्या पॉइंट बन गया, एक बन गया टू रूट टू फोर, दूसरा माइनस टू रूट टू फोर। तो क्या इनमें से कोई है, फर्स्ट वन। तो देख लो, चलिए नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से उसका आंसर सोचना है। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ एट द पॉइंट ऑन द कर्व इज, तो हमने नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या पहले निकालना, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव निकाल के इसका डेरिवेटिव ले लो, कितना आ गया। आप इसको सीधा डायरेक्ट कर लें, कितना आ गया, टू डी वाई डी एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई डी एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो पॉइंट भी दिया, तो वन पुट कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू वन, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल, हाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि वो रेसिप्रोकल साथ में क्या जाता है, तो वन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, चलिए क्या आएगी, वाई एम कितना, वन एक्स माइनस वन, वन से वन, तो क्या आ गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन इज अ टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर फोर एक्स, एंड इफ द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि f की m की वैल्यू क्या होगी जब ये वाला जो टेंजेंट है इसके लिए कर्व हो। तो जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये एक पैराबोला, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स एक पैराबोला है, और टेंजेंट इसको टच करके कहीं से पास कर रही है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से जो है एक टेंजेंट जा रही है, और इस टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो हमें गिवन है। तो सिंपली हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने एम फाइंड करना है, तो हमें यहाँ से टेंजेंट हम फाइंड कर सकते हैं, टेंजेंट हमें गिवन है, तो टेंजेंट का कंसेप्ट यूज़ करके हम यहाँ पे एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हमने इस कर्व के लिए टेंजेंट फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास मेथड है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो टू वाई डी वाई
डी एक्स इज इक्वल टू फोर और डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको बचेगा टू अपॉन वाई। और दिस इज़ द टेंजेंट टू द कर्व, और टेंजेंट हमें गिवन भी है, और अगर हम यहाँ पे लाइन जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाएं तो यहाँ पे स्लोप जो है इस लाइन से जो हमारे पास स्लोप है वो डी वाई डी एक्स जो है वो है एम, ये दोनों बराबर हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, आप डिफरेंशिएट करके देखिए तब भी आपको एम ही मिलेगा, तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे टू अपॉन वाई इज इक्वल टू एम और वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी टू अपॉन एम। तो हमने फाइंड करना है पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो यहाँ पे ये पॉइंट था लेट अस सपोज करो पी, तो इसका एक्स और वाई हमें फाइंड करना है, तो हमने वाई फाइंड कर लिया, अब हमने एक्स फाइंड करना, तो फ्रॉम इक्वेशन इस क्वेश्चन को आप चाहे वन ले लो तो यहाँ से ले लो, तो यहाँ पे वो वाई की वैल्यू अपुट कर दे तो ये आएगा टू अपॉन एम इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन, तो कितना आ गया टू अपॉन एम माइनस वन इज इक्वल टू एम एक्स, और आप क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो ये आ गया जी टू माइनस एम, और ये भी एम नीचे आ जाएगा तो एम स्क्वायर आ गया, तो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए, एक्स भी आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया वाई का। अब हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो अब हम ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वाई हमारे पास है वाई स्क्वायर दैट इज़ फोर अपॉन एम स्क्वायर, और ये फोर एक्स है तो फोर से मल्टीप्लाई करते हैं फोर माइनस टू माइनस एम नीचे एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल, यहाँ वन बचा, वन इज़ इक्वल टू टू माइनस एम, और कई बार हम गलती से यहाँ पे ज़ीरो कर देते हैं, ये हमारे पास गलती हो जाती है, तो ये आ गया एम इज़ इक्वल टू टू माइनस वन और एम इज़ इक्वल टू वन, तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले, तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक सिलेंडरिकल टैंक है जिसका रेडियस 10 मीटर है, ये एक सिलेंडरिकल टैंक है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 10 मीटर है, क्या कह रहा है इसमें आप वीट जो है फिल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, देन द डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग, तो उसकी जो डेप्थ है यहाँ पे जो डेप्थ है वो किससे हम डिनोट करेंगे एच, दैट इज़ हाइट, दैट इज यहाँ पे वो डेप्थ बन गई है, तो आपने एच जो है फाइंड क्या करना, आपने डी एच डी टी, आपको गिवन क्या है, क्या गिवन है फिल कर रहे हैं हम, फिल करने का मतलब क्या है उसका वॉल्यूम, तो हमें क्या गिवन है डी वी डी टी, वो कितना है 314 क्यूबिक मीटर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो सिंपल क्वेश्चन है क्या करेंगे वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम किसका है सिलेंडर, तो सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो क्या आ गया टू पाई आर, हमने विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है आर, हमें यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या है हाँ जी हाँ, तो डी वी डी टी करना हमने क्योंकि डी एच डी टी चाहिए हमें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डी एच डी टी, तो डी वी डी टी गिवन है हाँ जी, मैंने आर को नहीं डिफरेंशिएट किया, मैंने एच को किया, तो डी वी डी टी से टू पाई आर स्क्वायर डी एच डी टी, तो क्या आ गया मेरे पास डी वी डी टी गिवन है कितना है 314 पाई आर स्क्वायर डी एच डी टी आप रहने देंगे, तो क्या आ गया
dH dt 314 pi r square 314 और पाई को हम 3.14 लिख सकते हैं और r आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर तो कितना आ गया 100 और तो यहाँ से a भी 100 तो क्या आ गया ठीक है तो विच वन ऑफ टी 1 मीटर पर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट क्या है डेरिवेटिव ऑफ कोज इनवर्स एक्स हाँ जी हाँ जी दिस वन हाँ जी तो सी है और तो साइन इनवर्स एक्स का ये वाला चलिए डेरिवेटिव ऑफ ई पावर कोज एक्स मैंने पहले कहा कि भाई इतनी जल्दी थोड़ी है कि आप फटाफट ये बोल दो तुक्के लगाओ क्वेश्चन देखो उसको करो और एग्जामिनेशन में हमने यही गलती करते हैं दिस इज योर आंसर क्योंकि ई कॉज एक्स एज इट इज आ जाएगा उसका जो पावर है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्योंकि चेन रूल लग रहा है तो माइनस साइन एक्स चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाँ जी 6x दिस इज हाँ यहाँ पे एक बार करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 अगेन करेंगे डिफरेंशिएट तो मेरे पास आएगा 6x चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्वेश्चन ध्यान से देखें हमने एक क्यूब जो है गिवन हमें उसके जो वॉल्यूम में इंक्रीज हमने फाइंड करना है और हमें ये गिवन है कि इंक्रीज हो गया उसकी साइड में 3% पर एक क्यूब है हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन को आपने पहले समझना बड़ा ज़रूरी है ये आ गया क्यूब ये मेरे पास साइड है लेट अस सपोज करो कि ये एक्स है तो इसमें इंक्रीज कर दिया उसने इंक्रीज कितना किया 3% इंक्रीज का मतलब है कि उसने इसमें डेल्टा एक्स आ गया इसके साइड में डेल्टा एक्स ऐड हो गया और जैसे इसका चेंज यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ तो ये एक्सपेंड हो गया तो वॉल्यूम भी एक्सपेंड होगा तो हमने फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब डी वी निकालना है तो डी वी डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स ये हमारे पास फार्मूला है ठीक है तो वॉल्यूम अगर साइड एक्स है तो क्यूब का वॉल्यूम एक्स क्यूब डी वी डी एक्स जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 3x का और डेल्टा एक्स जो इंक्रीज कितना उसकी साइड में कितना परसेंट हुआ 3% 3% का मतलब होता है कि 3% और आप इसे लिख सकते हैं 3/100 दैट इज 0.03 और यह 0.03 पर किसका एक्स का 0.03 तो ये आ गया कितना आ गया 0.09 x³ और क्या आ गया मीटर क्यूब द स्क्वायर क्यूब नहीं आएगा देखो ये क्या है स्क्वायर ये एक्स नहीं है साथ में मल्टीप्लाई हो रहा निकाल तो आप चेंज इन वॉल्यूम रहे हो ना तो जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो भी स्क्वायर में आएगा कि क्यूबिक में आएगा क्यूबिक में आएगा तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है कोई भी नहीं है मेरे से थोड़ी सी गलती होगी तो अगर हम देखें तो 0.09 क्यों यहाँ पे क्या आना था टाइप करने में थोड़ी सी गलती कर दी मैंने चलिए नेक्स्ट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लॉग बेस 7 ऑफ लॉग एक्स कौन सा
इसमें होता है क्या है, हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग बेस ए ऑफ बी। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए, और इसका जो बेस है वो आपने नया बेस ले लिया कोई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉग सेवन है, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई लॉग सेवन, और इसका आप डिफ्रेंशिएट कर दें। अब जाहिर है, हाँ जी, प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी तो ये कह रही है तो लॉग सेवन, तो लॉग सेवन जो है वो कांस्टेंट है, तो अब इसका डेरिवेटिव करना है। तो वन अपॉन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स और कांस्टेंट नीचे, तो कौन सा ऑप्शन है, बी एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स। हाँ ये एग्जांपल है। चलिए इंटरवल, आपको एक फंक्शन गिवन है और इंटरवल फाइंड करना है जिसमें वो इंक्रीज कर रहा है, तो क्या मेथड है, कैसे कर सकते हैं हम डेरिवेटिव, और इंक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव उससे क्या होगा। वेरी नाइस यार, क्यों कंफ्यूज हो रही है इतना। तो क्या आ गया डेरिवेटिव फाइंड करें, क्या आ गया इसका डेरिवेटिव, डी वाई डी एक्स क्या बन गया, टू एक्स आगे एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स माइनस वन, प्रोडक्ट टू लगेगा। हाँ तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, जो जो कॉमन है वो बाहर निकाल लें, क्या कॉमन है, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, चलो इतना लिख लेते हैं, ई की पावर माइनस एक्स, अगेन आप एक्स भी कॉमन ले सकते हो, तो कितना आ गया, टू माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, जीरो को इक्वल पुट करना, तब भी हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकेंगे। तो ज़ीरो को इक्वल पुट करेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स ज़ीरो, यहाँ पे एक्स कितना आ गया, ज़ीरो और टू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लगाएं नंबर लाइन पे तो ज़ीरो वन टू, तो क्या बन गया, माइनस ट्वेंटी से लेकर ज़ीरो, ज़ीरो से लेकर टू और टू से लेकर इन्फिनिटी, तो तीन हमारे पास इंटरवल बन गए। अब यहाँ पे लिख दिए हमारे, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, दूसरा हमारे पास क्या है, ज़ीरो टू टू, तीसरा आ गया टू टू इन्फिनिटी, तो तीनों में चेक करना पड़ेगा वन वन। तो अब देखें यहाँ पे, अब क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया तो हम इसको सीधा ही कर देंगे, सीधा क्या करेंगे देखो, पहले से ले लेते हैं। तो ये रहा आपका फैक्टर, फैक्टर कहाँ बनाए मैंने, ये फैक्टर बनाए, और इस इंटरवल में कोई एक वैल्यू ले लो, माइनस ट्वेंटी ज़ीरो, तो माइनस वन ले लो, देखो माइनस यहाँ माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या है अल्टीमेटली माइनस, ये माइनस हो गया ना, ये तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस आया, तो ये क्या है, नहीं इंक्रीज। सेकंड क्या है, ज़ीरो टू टू, ज़ीरो टू के बीच में वन ले लो, वन पॉजिटिव, इसमें से वन माइनस करेंगे पॉजिटिव, ये अगेन पॉजिटिव, नीचे जाके पॉजिटिव हो गया, इसने पॉजिटिव ग्रेटर देन, इसमें क्या गया ग्रेटर देन, इस दिन क्या आ गया लेस देन, इसमें से टू टू इन्फिनिटी, टू टू इन्फिनिटी, थ्री पुट कर लें यहाँ माइनस, तो माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास ज़ीरो टू टू इंटरवल है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो वो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ कोज इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ तो सिंपल मैथ है, सीधे ही आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, तो हमारे पास क्या था, वन अपॉन वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर रूट और ऊपर माइनस आ जाता है, और चेन रूल लग रहा है क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा तो क्या आएगा, तो माइनस कॉज एक्स नीचे, तो आपको आइडिया नहीं था दूसरा एक और मेथड है कि आप साइन एक्स को कॉज में कन्वर्ट कर दो, तो कॉज इनवर्स से कॉज वो आपका वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा,
वैसे भी उतनी वैल्यू आनी थी, अगर कर देता हूँ तो कर देता हूँ वो, आप ऐसे कर सकते हैं कोज इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं ना। तो क्या आ गया, पाई बाई टू माइनस एक्स है, और इसका आप डेरिवेटिव निकाल लो, क्या आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो आपको एक फंक्शन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ हाफ। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये आ गया जी 6x प्लस 15, ढूंढेंगे डेल्टा एक्स कितना है, 0.02। फार्मूला क्या है, है फार्मूला याद है, ये फार्मूला। तो एफ एक्स कितना आ गया, कितना यहाँ पे है, पॉइंट क्या है, और एक्स कितना यहाँ पे, 3। तो एफ एक्स इसमें 3 पुट करके पुट कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 27, ये कितना आ गया 45 प्लस 5 आ गया, प्लस एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या है, तो 3 कितना आ गया, हाँ जी 33 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना है 0.02, कितना आ गया, ये कितना आ गया, और ये दोनों ऐड कर दो, तो कौन सा आंसर, हाँ जी कौन सा आंसर, सी। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 16। इन विच इंटरवल इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्या हमारे पास मेथड है, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, और x कितना आ गया, -1 आ गया, और ये बन गया -1। तो -22 -1 और -1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, दो इंटरवल बन जाएंगे। तो बस चेक करो, बस क्या हमारे पास काम है। तो f डैश x आपके पास कितना था, 2x प्लस 1, ये है ना आपके पास। तो इसमें से कोई वैल्यू ले लो, -20 और -1 के बीच -2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, और -1 टू इन्फिनिटी में लेंगे फिर 0 आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, तो फिर हमारे पास क्या इंटरवल आ गया, -1 टू इन्फिनिटी। तो -1 टू इन्फिनिटी कहाँ है, बी, -1 टू ये यार ऐसे उसमें शायद टाइपिंग में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया, हमारे पास एक कर्व है वाई स्क्वायर 4x, एक लाइन ऐसे टच कर रही है, टेंजेंट है इसकी एक पॉइंट पे टच करके जो पास कर रही है, जो टेंजेंट टू द कर्व है। तो बताएं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या फाइंड करना, हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो क्या कंसेप्ट है, उसके स्लोप निकाल लो, लाइन की स्लोप निकाल, उनको बराबर कर दो, वहाँ से आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसका अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें तो ये 2y dy dx इज इक्वल टू 4 dy dx इज इक्वल टू 2/y, और स्लोप यहाँ पे स्लोप है कितनी, यहाँ देखो इसकी स्लोप कितनी, 1, तो y कितना आ गया 2, y कितना आ गया 2। तो क्या निकालना चाहते हो, x, तो इसमें पुट कर लो, कितना आ गया 4x, और x कितना आ गया 1 1.2। तो कौन सा आंसर है हमारे पास, हाँ जी ठीक है। पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि उसमें m था, यहाँ पे वैल्यू मिल गई, इसलिए हमें डायरेक्ट इसमें हम पुट करके वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चाहे उसमें भी पुट करते तब भी, क्योंकि वो हमने वैल्यू वहाँ से ली है। चलिए नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ a पावर 3x।
ए बी सी डी विच वन? हमारे पास फार्मूला है ए पावर एक्स और उसका डेरिवेटिव। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, अदरवाइज आप इसको लॉग लेकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरफ लॉग ले लें, वाई के इक्वल पुट कर लो, फिर लॉग ले लो दोनों तरफ, आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा आंसर है इसमें? फार्मूला मैंने बता दिया आपको। देखो भाई ये आंसर है ना, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसकी पावर में 3 मल्टीप्लाई रहा तो वो चेन रूल लगेगा, जस्ट इसका चेन रूल लगना है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन, यहाँ पे आप हैं तो ए 3x एज इट इज लॉग ए एज इट इज, बट चेंजेस कहाँ है उसकी पावर में, तो उसका चेन रूल लगा दो। तो कौन सा आंसर है? सी। तो कौशिक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल रियल नंबर, जो भी इसमें आप रियल नंबर पुट करेंगे या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। साथ में माइनस इसमें आप माइनस वन कर दो, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आपको फंक्शन है वो किसके इक्वल और ग्रेटर है? माइनस वन। तो माइनस वन के इक्वल है बट उसके ग्रेटर कितना हमें नहीं पता, हम पूछ कह रहे हैं तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी? माइनस वन इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो उसके बाद में बोला ग्रेटर, जितनी मर्जी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, तो फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, एक कर्व हमें दिया है एक्स इक्वल टू ए क्यूब थीटा, दूसरा दिया वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, और थीटा हमें पाई बाई 4 दिया है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म को हम कैसे करते हैं? डी वाई डी एक्स डी वाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स डी थीटा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं डी वाई डी थीटा, इसे वाई वाई है इसके भी तो थीटा कर लें, तो 3 sin² थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा, और ए यहाँ पे है वो आप बाद में लिख लो। नीचे देखिए ए का ए पहले लिख लो, चलो 3 cos² थीटा और आगे माइनस साइन थीटा। तो ए से 3 ए कैंसिल, और यहाँ पे ए cos² कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, मेरे पास यहाँ बन जाता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि एक साइन ऊपर बच जाएगा एक cos नीचे बच जाएगा, मेरे पास बन जाएगा ओह क्या कर दिया मैंने टेन थीटा, और हमें गिवन है थीटा कितना दी गिवन है तो -1। ये क्या आया आपके पास? स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट आप आपसे पूछा क्या क्या है? नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होगी? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? 1, जो कि हाँ मतलब -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो -1 है दैट इज 1। तो योर करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है जी। तो देख लो इसी के साथ आपको पता चल गया कि आपकी कितनी तैयारी है और कहाँ कहाँ आपको डाउट है, तो वो क्लियर करें, ठीक है। तो आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट विशेस, अच्छी तरह क्वेश्चन करिए अटेम्प्ट और गुड मार्क्स लेके आइए।